हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वन सॉल्यूशन क्लास ट्वेल्थ का सीबीएसई। इस चैप्टर के मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिकली मैंने फ्लो चार्ट भी दिया है कि हम सॉल्यूशंस में क्या पढ़ने वाले हैं। ओवरव्यू के लिए आप ये देख सकते हैं कि इसमें हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे, हेनरी लॉ पढ़ेंगे, रोल्स लॉ पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, उनकी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? बेसिकली सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का। होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जो जिसके कॉम्पोजिशन और जो प्रॉपर्टीज होती है यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। जनरली द कंपोनेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में होते हैं उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। जो बाइनरी जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया जाता है उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है। जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, गैसीय सॉल्यूशन कौन से होंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस कैसे होंगे, सॉलिड सॉल्यूशंस कैसे होंगे, एक बार इन्हें पढ़ लेना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सप्रेशन, पढ़ते हैं कि हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इसमें फर्स्ट सबसे पहले टर्म आती है मोल फ्रैक्शन, जिसे हम एक्से डोनेट भी करते हैं। कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जब हम नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट को टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट निकलती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है, मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ है कौन से ईयर्स में आया हुआ है। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन होता है, बाइनरी सॉल्यूशन याद है ना आपको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो उसमें एक कंपोनेंट है, एग्जांपल के लिए उसमें एक कंपोनेंट है ए एंड बी, और जब नंबर ऑफ मोल्स है वो ए और बी के है, एन ए एंड एन बी, तो जो मोल फ्रैक्शन होगी ए की उसे हम डिनोट करेंगे एक्स ए से। तो एक्स ए इक्वल टू एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी क्यों है? क्योंकि फॉर्मूला था हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, जिसकी हमने मोल फ्रैक्शन निकालनी है वो ऊपर आ जाएगा और जो टोटल नंबर है वो नीचे नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का है कि एक्स बी इक्वल टू एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस लेसन में आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। बाइनरी मिक्सचर में जब एक और बात है याद इम्पोर्टेंट है कि जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है उसका जब सम करते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी करते हैं तो उसका हमेशा वन होता है सम। ठीक है, मतलब मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है उसे वन होता है। जिसे एग्जांपल दिया गया है अपने को, अ मिक्सचर हैविंग टू गैसेस कंपोनेंट N2 एंड O2 विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 10 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट। जो x ऑफ n2 होगा वो n n2 बाय n n2 प्लस n o2 हो जाएगा, टोटल कंपोनेंट का सम होएगा, तो 10 बाय 30 आ जाएगा, जिसे 1 बाय 3 भी लिख सकते हैं। ऐसी x o2 होएगा, और लेकिन x o2 को हम कैसे कर सकते हैं, टोटल 1 होता है हमें पता था, तो 1 माइनस 1 बाय 3 करेंगे तो 2 बाय 3 आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होती है कि जब हम किसी कंपोनेंट का मास होता है जो सॉल्यूशन में उसे डिवाइड करते हैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से और इनटू 100 कर देते हैं तो मास परसेंटेज निकल जाएगी। जैसे हमें एक चीज़ दी गई है, जैसे 10% ग्लूकोज है वाटर में, तो इसका मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व किया गया 90 ग्राम वाटर में, जो जिसने टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन बना दिया। ऐसे टर्म आती है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, जो थर्ड टर्म है, इसे हम डिनोट करते हैं V बाय V से, जिसमें क्या होता है वॉल्यूम होता है कंपोनेंट का बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड किया जाता है, तो वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाती है। उसके बाद आता है 100% जैसे इसका एग्जांपल आता है 10% इथेनॉल इन वाटर, इसका मतलब होता है कि 10 ml इथेनॉल है उसे डिजोल्व किया गया है कि जिससे हमारा 100 ml सॉल्यूशन बन गया है। उसके बाद टर्म आती है हमारी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे हम डिनोट करते हैं एम बाय वी से। इसमें क्या होता है कि जैसे मास होता है जो सॉल्यूट का वो डिजोल्व होता है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ऐसे एक टर्म आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम बोलते हैं PPM, पार्ट्स पर मिलियन। ये यूज़ होती है जब सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वेरी वेरी स्मॉल होती है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है पार्ट्स पर मिलियन का नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ होल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10^6। ये जितने भी मैं आपको फॉर्मूलाज बता रहा हूँ इनको आप रिविजन नोट्स बनाना 10% रूल के अकॉर्डिंग और वहाँ पे नोट कर लेना। उसके बाद जैसे कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस मास टू मास,
वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम। इसको हम तीन तरह से देख सकते हैं, ये आगे दिया गया है। जैसे फर्स्टली आता है W बाई V परसेंट, इसमें क्या होता है वेट ऑफ सोल्यूट जो ग्राम में होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो ML में होगा इन टू 100। ऐसी PPM जब हम निकालेंगे W बाई V का तो उसमें सेम ही आएगा वेट ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन टू, लेकिन यहाँ पे 100 था और PPM में 10^6 हो जाएगा। उसके बाद जैसे एग्जांपल है कि अगर 5.0 PPM दिया गया है O42 इज डिजोल्व इन C, तो इसका मतलब है जो 5.0 ग्राम है ऑक्सीजन का वो डिजोल्व किया गया है 10^6 ग्राम ऑफ सी वाटर में। और जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वाटर और एटमॉस्फेयर में उसको हमेशा PPM के फॉर्म में ही डिफाइन किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया हमें, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लिकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। तो इसका आंसर आएगा जो उसमें आएगा कि 20% का मतलब है कि 20 ग्राम है, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना पीछे कि 20 ग्राम प्रेजेंट है 80 ग्राम वाटर में। तो पहले हम मोलर मास निकालेंगे उसका, तो कार्बन का मास 2 × 2 12 आ जाएगा, और यहाँ पे H6 का आ जाएगा 1 × 6 और O2 का आ जाएगा 16 × 2, तो 62 ग्राम आ गया टोटल। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, जो आपके वो दिए हुआ आपको मोल फ्रैक्शन है उसको डिवाइड करना है हमने उसके मोलर मास से, तो 20/62 इक्वल टू 0.322 मोल। तो उसके बाद हम ऐसे ही सिमिलरली मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे जो आ जाएंगे 4.444 मोल। तो उसके बाद हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे जब हम ग्लाइकोल की निकालेंगे, तो एन ग्लाइकोल बाय टोटल, तो 0.322 बाय 0.322 प्लस 4.444 इज इक्वल टू 0.68। तो ऐसी एक्स ऑफ वाटर की निकालेंगे तो 1 में से माइनस हो जाएगा 0.68, तो आंसर हमारा आ गया 0.932। ऐसे हमने दोनों की निकाली है, क्वेश्चन सोल्व है। जो मोलर, इसके बाद हम टर्म पढ़ेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं डिजोल्व में 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, इसमें क्या आ गया 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है जो मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो जो इसकी यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। जैसे अगर हम 0.25 मोल सॉल्यूशन ऑफ NOH में मिक्स करते हैं तो इसका मतलब है 0.25 मोल ऑफ NOH हैज बीन डिसॉल्वड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो इसका मतलब पहले तो मोल्स ऑफ NOH हो गए, तो 5 ग्राम बाय 40 हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा 0.125। ऐसे वॉल्यूम है जो 450 बाई 1000 हो जाएगा, तो 0.45 लीटर आ गया। लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, वो ml में गिवन है। तो फिर इसकी जो मोलैरिटी आएगी वो आएगी 0.125 बाई 0.45, क्योंकि लीटर में होता है, तो लीटर इक्वल टू 0.278 मोल। तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बाद आपको ये सॉल्व करना है, जो मोलैरिटी का कंसेप्ट पढ़ लेंगे आप, इसके बाद आपने ये सॉल्व करना है। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एट 10% बाय वेट, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये आप सॉल्व करके इसका कमेंट में मुझे आंसर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम टर्म पढ़ते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में, समझ गए ना। एक मोलैलिटी था, एक मोलैरिटी था। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो मोल बाय केजी होती है। तो वन मोल सॉल्यूशन ऑफ KCl मीन दैट वन मोल ऑफ KCl इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। इसके भी यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथोनिक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसमें मोलर मास निकालना है पहले हमें इसका CH3COH का, बेंजीन का, वो जो आ जाएगा 60 ग्राम। फिर उसका मोलैलिटी निकालना है फॉर्मूले से, मोल्स ऑफ CH3COH बाय kg ऑफ बेंजीन। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.556 मोल बाय kg। जितने भी सम्स मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसे एक बार आप अपने हैंड से सॉल्व करके देखना कॉपी में, बिकॉज जब आप एक बार हैंड से निकाल लेते हैं तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। जो एडवांटेज होती है मोलैलिटी की ओवर मोलैलिटी से ज़्यादा, उसका वो क्या है वो सुनिए एक बार आप।
मोलैलिटी होती है वो चेंज नहीं होती टेम्परेचर में, जबकि मोलैलिटी डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, तो इनके बीच में डिफरेंस हो गया। इसी की वजह से जो वॉल्यूम होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, लेकिन मास नहीं करता, समझे। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इसमें तीनों में डिफरेंस दिया गया है, डेंसिटी का, मोलैरिटी का एंड मोलैलिटी का। जो इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डी इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एम इज मोलैलिटी एंड एम इज अ मोलैरिटी, एम टू इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, देन मोलैलिटी एम इज इक्वल टू, तो इसमें एम बताना है। तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आज तक पूछा नहीं गया, बस वैसे एक बार पढ़ लेना ताकि आपको याद रहे। इसको तो हम क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, जो नहीं आता है तो मैं एक बार लाइव सेशन करूँगा जिसमें आपके डाउट्स लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।